हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अनीता जैन आज सूजी से नाश्ता तैयार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सूजी का नाश्ता बनाने के लिए मैंने ली है आधा कप सूजी। ये मोटी सूजी है, आप कोई सी भी सूजी ले सकते हो। दो उबले हुए आलू, 1/4 कप गाजर कद्दूकस की हुई है, हरा धनिया, एक हरी मिर्ची, एक प्याज, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है इसे बारीक कर लिया है, और 1/4 कप मटर। आप इसमें कोई भी वेजीज ले सकते हो और कोई भी अठा सकते हो। एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अभी सभी चीज डाल देंगे, प्याज, मटर, अदरक और हरी मिर्ची। गाजर भी डाल देंगे और आलू को मैश करके डाल देंगे इस तरह से। बढ़िया मिक्स कर लेंगे। मटर और गाजर को बस 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छी तरह मैश कर लेंगे आलू को। ये सभी चीज अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे मैंने 2 से 3 मिनट करीबन पका लिया है। अब इसमें सूजी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ¼ कप चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हो और काली मिर्च भी डाल सकते हो। आधा चम्मच नमक का और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो हमने जितनी सूजी ली है उसके 4 गुना पानी डाल देंगे। तो मैंने आधा कप सूजी ली है तो 2 कप पानी डाल देंगे। कोई भी मेजरमेंट लो, उसको 4 गुना पानी डाल दो। गैस फुल कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे गाढ़ा होने देंगे। ये गाढ़ा हो गया है, मैंने फुल आंच पर ये कंटिन्यू चलाते हुए पकाया है। अब से थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। ये इस तरह से इकट्ठे होने लग जाता है। इसे मैंने 5 मिनट करीबन तक पका लिया है, गैस सिमी रखी है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये मैंने ट्रे पे बटर पेपर लगा लिया है। आप बिना बटर पेपर लगाए भी जमा सकते हो। ओनली इस पे घी लगाए, हल्का सा घी या तेल लगा सकते हो। ये मिक्सर इस पे डाल देंगे और इसे जमा देंगे। हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसे इस तरह से मसल लेंगे और इसे इस तरह से जमा देंगे। ये अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हो और जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हो। ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम कट लगा लेंगे। ये मैंने सभी पीस कट कर लिए हैं। आप इन्हें इस तरह से पीस काट के फ्रिज में रख दीजिए और जब भी खाने हो तो इन्हें तल लीजिए या सेक लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप करके खा सकते हैं। मैं इन्हें सेलो फ्राई कर रही हूँ, तो पैन में 2 टेबलस्पून करीबन ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, अब गैस सिम कर देंगे और एक एक पीस करके डाल देंगे जितने इसमें आएंगे। तरह से घुमा लेंगे तेलों में, इससे कि डूब जाए, और मीडियम आंच कर लेंगे और इन्हें हम सेकेंगे। अब इन्हें हम पलट लेंगे एक एक करके। और उलट पुलट करते हुए इन्हें हम ब्राउन होने तक सेक लेंगे।
ये हमारे सिक गए हैं, इसी तरह से सभी सेक लेंगे। इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये हमारे सूजी वेजीज स्क्वायर बनके तैयार हो गए हैं। अब इन्हें आप भी ट्राई कीजिए और बच्चों के टिफिन में बना के रख सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।